जी सर बताइए। दो तीन बात समझिए, ऐसी घटना समाज को कलंकित करती है, इंसानियत को कलंकित करती है और राज और देश का शर्म झुक जाता है। लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है ऐसी घटनाओं का लोकतंत्र में। यह देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। यह देश मुख्य कानून और हिटलर चंगेजी खां के कानून से नहीं चलेगा। लगातार मर्डर, एक अकेला बेटा बेटा, फिर सिटी, फिर हाजीपुर, फिर सिवान। अब हमको लगता है कि हर एक सप्ताह में हमको सिवान आना पड़ेगा। इसके पहले भी मॉब लिंचिंग हुई, डब्लू खान मुखिया थे, उसके यहाँ मैं गया था हसनपुरा, जिसमें हमने डीएम एसपी सबसे बातचीत की, उसके मुआवजे की, उसकी सुरक्षा, उसके लगातार समाज में जिस तरीके से ये जो दबंगई लोग दबंग करना शुरू किए हैं, कमजोर तबके पर जो जुल्म हो रहा है, यह मामला लगातार बिहार में बढ़ रहा है। और मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मिडिल क्लास, कमजोर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक लोग जो लोग हैं, क्या उसको संविधान में कोई जगह भारत में नहीं है? क्या उन्हें जीने का फ्रीडम नहीं है? अब बिना किसी मुद्दे के छोटी छोटी घटनाओं में इस तरह का एक जिंदगी को ले लेना, एक छोटे यदि वो गलती भी किया होता, जबकि कोई गलती नहीं थी, उनके खेत में सब कुछ रखा हुआ और एक मासूम, दो मासूम बेटी को छोड़ के चली गई, इनकी परवरिश के लिए इनके घर में कुछ नहीं है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस घटना को दो महीने के अंदर चार्जशीट करके एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा करें। इस परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, गवाह की सुरक्षा होनी चाहिए। अब मुझे कभी कभी लगता है कि सिवान, गोपालगंज, छपरा, यह मल्ल युद्ध, और लगता ही है ना कि बिहार ये कानून से ऊपर है। लगातार जिस तरह की घटना देखा जा रहा है छपरा में, गोपालगंज में, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान बहुत गंभीरता से लूंगा कि क्या कारण है कि इकबाल नहीं रह गया, सरकार का डर नहीं रह गया। समाज का डर तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, और समाज जिस तरीके से आज नफरत के बीज दौड़ रहे, ये नफरत के बीज बोया ही नेताओं ने अपनी सियासत के लिए। सियासत के लिए नफरत का आधार बना लिया, और मैं सभी समाज के दबंग जाति वर्ग के लोगों से, और ख़ास तौर पर मैं दो तीन चार जातियों से कहना चाहूँगा, जो आज राजनीति के लिए बाप बाप कर रहे हैं, उसमें यादव, राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कोरी और पासवान, ये जो लोग हैं उन्हें सभी गरीब तबके और पिछड़े, अत्यंत पिछड़े लोगों की जिंदगी के लिए जीना होगा। ये लोग सत्ताधारी दल हो गए,
17 साल गठबंधन में थे तब भी यही लोग, कुछ लोग सत्ताधारी दल थे। जो सत्ताधारी दल हैं, जो समाज के हर जाति धर्म के लोगों के वोट से बनते हैं, उस जाति के दबंग लोगों को अपना आचरण बदलना पड़ेगा। लाठी छोड़नी होगी, लाठी उठाना छोड़ना होगा। उन्हें सिवाय मदद के, सिवाय आवाज के, सिवाय संघर्ष के दूसरों के लिए कोई रास्ता नहीं है। सत्ता का रास्ता गरीबों से गुजरता है, और जब तक गरीबों का सम्मान, उसकी इज्जत और उसकी ज़रूरत की पूरा नहीं होगा, तब तक सत्ता, तेजस्वी जी भूल जाइए, आप गोपालगंज, सिवान और छपरा नहीं संभाल पाते हैं। कभी यादव राजपूत हो जाता है, कभी शहर जाता है, कभी ब्राह्मण भूमिहार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जब आप पहले अपना घर संभाल लीजिए ना। नीतीश कुमार जी, पटना, नालंदा और घटना घट रही है, लग रहा है कि ये इंटरनेशनल क्राइम यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है। और दबंग लोगों को जो मन आता है, जिसको मन उसको गाली देता है, सोशल मीडिया यूज करता है माँ बहन बेटी रोटी करने के लिए। सोशल मीडिया पर आ जाएंगे, फेसबुक पर, उसके बाद माँ बहन बेटी रोटी करना शुरू कर देंगे, किसी भी जाति को गाली देना। नीतीश जी, इन नेताओं को और छुटवइए नेताओं पर कोई कानून होगा कि नहीं? जो किसी आस्था को गाली देता है, कभी कुरान शरीफ साहब को, कभी गीता को, कभी रामायण को, जो नेता ऐसी बात करता है, क्या उस पर कोई कानून होगा कि नहीं? जो नेता कभी दलित को, कभी पासवान, कभी राम, कभी मुसहर, कभी मुसलमान, कभी मियां, कभी गुआर, कभी राजपूता, कभी बाभन, कभी भूमिहार, कभी 10% ऐसी बात करता है, जो हमेशा नफरत का आधार, चाहे जाति केंद्र हिंदू मियां का ले ले और क्षेत्रीय पार्टी जाति पार्टी का ले ले, उसके जो नेता है उस पर कानून का शिकंजा कसेगा कि नहीं? क्या उसके लिए सरकार सारी सुविधा छीनेगी? क्या उसके लिए सरकार चुनौती पाबंद करेंगे? जब तक ऐसे लोगों को, जो लोग अकारण इतनी बड़ी अंसारी साहब की घटना घटी और सरकार मौन, कोई मदद नहीं, सीओ साहब ये कह के गए थे जमीन के लिए 5 डिसमिल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब कोई इतनी बड़ी सरकार का जब नियम है, जब कोई दलित और कमजोर तबके के लोग मारे जाते हैं, मरते हैं, तो उनको सरकार के तरफ से 4 लाख रुपया, ये इसके पहले सरकार ने कानून बनाया, तो फिर इस परिवार को, अब इस परिवार के परवरिश के लिए कोई नहीं। तो इसीलिए हम ऐसे लोगों को आगाह करते हैं, चाहे सिवान से, कि या सब समाज के लिए कलंकित हैं आप, जिस जाति धर्म वर्ग के लिए हैं उसके लिए भी कलंकित हैं आप, और ऐसी घटना को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं सर? आखिर सरकार जो सुशासन की चल रही है, ये चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, और इस तरह का घिनौना कार्य हो रहा है, आखिर पप्पू यादव का आवाज़ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है वहाँ पे? सर, जनता मौन हो चुकी है, लड़ना नहीं जानती है, और जनता सड़क पर बैठना नहीं जानती, आवाज़ देना नहीं जानती है। जनता कंप्लीट रूप से अब गरीबों के लिए लड़ना नहीं चाहती। जनता किसी पर दूसरों के लिए, इतनी घटना में हम आए, लगातार गोपालगंज में मर्डर हो रहे हैं, लगातार सिवान में कभी मामलेंची, कभी कोई घटना, कभी कोई घटना, कभी मुखिया की घटना हो रही है, छपड़ा में लगातार जातीय उन्माद, सोशल मीडिया पर बड़े और दबंग लोग जो मन में आते हैं बोलते हैं, उन पर कोई कानून नहीं है। तो अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, अब लोगों के भीतर ये प्रवेश कर गया है, जितना गाली दोगे दूसरे जाति को, उतना बड़ा नेता बन जाओगे जात का, धर्म का, यानी सस्ती राजनीति हो रही है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, और पहले वो सुशासन की सरकार कही जाती थी, आज वो फेल क्यों है? जिस तरीके से मुझे तो समझ में नहीं आता है,
17 साल पहले एनडीए की सरकार थी, अच्छा 5 महीना पहले ही ना हम 20 बार सिवान आए हैं जी। 5 महीना पहले कितना हत्या हुई है गोपालगंज में, आज से घटना, और सिवान में आज से घटना, छपरा में, महाराजगंज में आज से। आप तो करते ही हैं आप लोग यही, गोपालगंज जाइए तो भूमिहार, ब्राह्मण, कुशवाहा, यादव, सिवान आइए तो हिंदू मियां, चले जाइए आप महाराजगंज तो राजपूत भूमिहार, और चले जाइए छपरा तो यादव राजपूत, यानी जंगल राज। इसके अलावे क्या है, ये कब से चल रहा है बिहार में सर, गोपालगंज में ये सब कब से चल रहा है, भूमिहार और बाभन का झगड़ा कब से चल रहा है, मंगल पांडे, नगीना बाबू, और उससे पहले से ना काली पांडे, उसके पहले से ना, अब कुशवाहा इन कर गए यादव जी, यहाँ हिंदू मियाँ।